हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग मेरा है यूनिवर्सिटी का। तो यार, सुबह के 6 बजे उठना होता है और तकरीबन 7:30 बजे तक यूनिवर्सिटी होते हैं हम, और 8 बजे हमारी क्लास होती है जो मोस्टली कैंसिल हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा बुरी ज़िंदगी चल रही है, स्पेशली यूनिवर्सिटी की। तो मत पूछें कि यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है। यूनिवर्सिटी में ये सीन चल रहा है कि हम लोग सुबह जाते हैं लेकिन मैसेज आ जाता है ग्रुप में कि क्लास नहीं होगी। टीचर्स रात को नहीं बताते हैं, टीचर्स तब बताते हैं क्लास के तकरीबन 5 मिनट पहले। तो यार, तब बताने का क्या फ़ायदा, या तो हमें रात को बता दिया करें, हम आए ही ना। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था सर के साथ जो कि रेडियो में था। तो हम लोगों को तकरीबन 15 मिनट सर ने पढ़ाया था, और फिर सर ने कहा कि आप लोग फ्री हैं बिकॉज़ आज उनकी कोई ओरिएंटेशन थी तो उन्होंने वहाँ पे जाना था। सो हम लोग यूनिवर्सिटी में यूं ही जलील होते रहे। गर्मी भी आज इतनी ज़्यादा थी। तो मैं अभी आपको टूर करवाती हूँ अपने डिपार्टमेंट का जो कि मैथ्स कम्युनिकेशन का है, और अभी इसमें और 2-3 डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया जिनमें मैथ्स का है और IT का, शायद इंजीनियरिंग का भी है। और अगर आप लोग इस डिपार्टमेंट से हैं तो कमेंट में बताएं कि आप लोग कब शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे और कौन कौन मैथ्स कम्युनिकेशन का है। तो हमें तो ये डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि हमारा पुराना डिपार्टमेंट जो था वो बहुत ही अच्छा था, ओपन था। ये बहुत ही बंद है और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसे जैसे हम लोग कैद हो गए हैं। हमको जिंदा मत छोड़ो। जैसे ही डिपार्टमेंट में एंटर होते हैं तो हमें ये एक कॉलेज टाइप गैलरी सी नज़र आती है। मैं तो इसको कॉलेज ही कहती हूँ, डिपार्टमेंट तो मैं इसको कहती ही नहीं हूँ। खैर, इस डिपार्टमेंट के 2 फ्लोर्स हैं लेकिन बिल्कुल सेम है। आप कहीं पे भी चले जाएं आपको ऐसे ही लगेगा कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं या सेकंड फ्लोर पे हैं। कैसे हो? थोड़ा ऊंचा बोलो। YouTube? हाँ, कैसे हो? तुम देखे हुए हैं, तुम फेमस हो, पहले ही और फेमस हो जाओगे। शॉर्ट आउट दे दो मुझे। नहीं नहीं, अभी तो मैं टिकटॉक। ओके बाय। जो 2-3 हैं वो भी चले जाएंगे। चलो चलो। एक तो हम लोगों को फ्रंट गेट से आना होता है और फिर हम लोगों को बैक गेट पे अपने डिपार्टमेंट में जाना होता है, और फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि चढ़ चढ़ के बंदा मर जाता है। वो कहते हैं ना कि स्टेयर डिपार्टमेंट ऐसा बनाओ कि 4 लोग स्टेयर्स चढ़ चढ़ के ही मर जाए। सर जी से कहते हैं शॉर्ट आउट दे दें। सर ने यही कहना है, इनको कोई भी फॉलो मत करें, इनको कोई भी लाइक मत करें। इस डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी चीज़ ये है क्योंकि इस कूलर का पानी बहुत ठंडा होता है। ये हमारा क्लासरूम है, रूम नंबर 9। वाह, ये क्या है, ये कौन सा? कैसा लगा तुम्हें मैथ्स कॉम का हमारा न्यू डिपार्टमेंट? माशाल्लाह, हमारा डिपार्टमेंट जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत और जदीद तरह से तौर। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। डिपार्टमेंट है, इसमें हमारे पास जो है हमें हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे टीवी स्टूडियो, रेडियो, हमें तकरीबन मीडिया की हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, और बहुत ही जदीद। चलो बस करो, तुम्हें पैसे नहीं दिए हुए इन्होंने। गजब बेइज्जती है। हाँ जी शमाइला, आपको हमारा न्यू डिपार्टमेंट कैसा लगा है? हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, अभी न्यू कंस्ट्रक्ट हुआ है, आप लोग जैसे देख रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा डिपार्टमेंट है, पहले वाले से ज़्यादा प्यारा है, और यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है, तो जैसे कि इन्जॉय करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के तो मर जाते हैं। हाँ, ये तो है, तक जाते हैं, लेकिन लिफ्ट होनी चाहिए थी यहाँ पे। शशि जी से कहते हैं रस्सी बांधने, क्योंकि हमारा सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे रूम है, तो हमें बहुत सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हम लोग थक जाते हैं। सो बस करो, तुम्हें भी पैसे नहीं मिले, मुझे लगता है तुम दोनों को पैसे मिले हुए। डिपार्टमेंट की तारीफ ही ऐसे कर रहे हो यार। हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा गया, इसलिए बोलना चाहिए ना हमारा। आहा, बहुत चंगा ना। मैं इजी कमियां से यहां पे हमें उधर बैठ के जाना पड़ता है, तकरीबन 1 किलोमीटर तक का होगा। हमारा मुकाबला ये कि सिर्फ यहां बैक पे साइड पे सिर्फ एक कैंडिडेट। हुकूमत से मुतालबा है। तो ये रोड है हमारे आशिकों का लव रोड, और यहाँ पे आज कोई ओरिएंटेशन थी जो न्यू कमर्स थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी वहाँ पे देखें वहाँ क्या क्या हो रहा है। खैर, यहाँ पे मेरी वीडियो एंड होती है, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।